हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू दम बिरयानी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन आवर लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस। सबसे पहले हमें 2 से 3 मीडियम साइज के आलू को रफली चॉप करके उसे उबले हुए पानी में डाल देना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है, फिर निकाल देना है। यहाँ आप देख सकते हैं आलू 20% बॉईल हो चुके हैं एंड वी हैव रिंस्ड आउट ऑल द हॉट वाटर। आलू का मैरिनेट बनाने के लिए हमने 400 ग्राम दही को हैंग कर लिया था। सो दिस इज द हंग कर्ड आउट ऑफ 400 ग्राम्स ऑफ दही। उसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, आप ज़्यादा डाल सकते हैं अगर आप ज़्यादा तीखा प्रेफर करते हैं, ठीक है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की पेस्ट, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 बड़े चम्मच एवरेस्ट का बिरयानी मसाला हमने यूज किया है। और नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें डालेंगे सैफ्रन इन्फ्यूज्ड वाटर। बेसिकली हमने 45 मिनट्स के लिए वार्म वाटर में 8 to 10 स्ट्रैंड्स ऑफ सैफ्रन को रख दिया था, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टमाटो फाइनली चॉप्ड एंड वी विल मिक्स इट रियली वेल। ओके, सारे मसाले अच्छे से मिक्स कर देने हैं। अब जो हमने आलू बॉईल किए थे, 20% बॉईल किए थे जो आलू को, उसको इस मैरिनेट में डाल देना है और उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। सारा ही आलू अच्छे से कोट हो जाना चाहिए मसाले में, ओके, और उसे कवर करके फ्रिज में रख देना है ओवरनाइट। वीडियो पसंद आ रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 3 प्याज ले लिए, उसे फाइनली स्लाइस कर दिया है एकदम पतला। हमें प्याज को फ्राई कर देना है अच्छे से, ठीक है, टिल इट गेट्स गोल्डन ब्राउन फॉर द ब्रिस्ता। बिरयानी विदाउट ब्रिस्ता इज इनकम्प्लीट। फ्राई करते वक्त इसे अच्छे से सब तरफ से फ्राई करना है, ओके, सो दैट ये आधा कच्चा ना रह जाए और एंटायरली फ्राई हो जाए। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं अनियंस हैव स्टार्टेड टर्निंग टू ब्राउन कलर, ओके, दे हैव ऑलरेडी गॉटन वेरी क्रिस्पी, दे आर ऑलमोस्ट डन, ठीक है। एग्जैक्टली हाउ योर ब्रिस्ता शुड बी, ब्राउन एंड क्रिस्पी, नॉट ज्यादा जला हुआ एंड नॉट इवन सॉफ्ट, ओके, परफेक्ट ब्राउन एंड क्रिस्पी। नेक्स्ट वी हैव टू टेक 2 to 3 स्मॉल पोटेटोज, ओके, एंड चॉप देम रफली, ठीक है, एंड पोक देम विद अ फोक एंड मेक होल्स ऑन देम, ओके। बेसिकली वी आर गोना डीप फ्राई दीज पोटेटोज, ओके, इन द सेम ऑयल दैट वी यूज फॉर फ्राइंग द ब्रिस्ता। You can see the holes. They're on all sides. इसमें आप salt डालोगे और अच्छे से mix कर लोगे. Salt will actually seep into all those holes. देखिए, अब हम इसे crispy fry कर देंगे, ठीक है? Along with the salt, so that these aloos do not taste bland in the biryani, okay? बिरयानी के मैरिनेट में ऑलरेडी सॉल्ट रहता है, ओके, दिस आलू वी आर गोइंग टू ऐड ओवर एंड अबाउ द बिरयानी मैरिनेट, सो दे शुडंट टेस्ट ब्लैंड, दैट इज द रीजन उसमें सॉल्ट डाला जाता है, दैट्स द होल आइडिया बिहाइंड इट। दिस इज 2.5 कप्स ऑफ लॉन्ग ग्रेन बासमती चावल, ओके, इसे 30 मिनट्स के लिए भिगो दिया था, ओके, एंड नाउ वी आर बॉइलिंग इट अलॉन्ग विद बे लीफ, स्टार एनिस एंड दालचीनी, ओके, नमक डालेंगे भर के 2 चम्मच। बेसिकली चावल का पानी शुड बी खारा
when you taste it, and half a teaspoon of ghee so that chawal chipak nahi jaye. Okay, so previous night humne jo aloo ko marinate kiya hua tha, now it is the time to fry those, okay, or rather cook those in a pressure cooker. तो हम सेम ऑयल लेंगे जिसमें हमने हमारा ब्रिस्ता और आलू को फ्राई किया था, बिकॉज दैट ऑयल इज ऑलरेडी वेरी फ्लेवरफुल. एड वाटर टू द कुकर एंड प्रेशर कुक फॉर 2 to 3 विसल्स. राइस इज 75% कुक्ड, आलू 75% कुक्ड. यहाँ आप देख सकते हैं हमारे आलू रेडी हो चुके हैं. ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे ओनली 20% ऑफ द ब्रिस्ता दैट वी फ्राइड यस्टरडे, ओके, एंड द आलू दैट वी फ्राइड यस्टरडे. This will give a different flavor to your biryani, an additional flavor to your biryani. Mix it really well. Here comes the final touch. Pressure cooker में हमें बिरयानी को दम देना है, okay? So वो entirely cook हो जाए, because as you guys know, अब तक बिरयानी के चावल और the marinade is only 75% cooked. So हम इसे घी से layer कर देंगे, ठीक है, at the bottom and on the sides. ठीक है, और नीचे हम डालेंगे लेयर ऑफ राइस, उसके ऊपर भी लेयर इट विथ द आलू, द मैरिनेट आलू, ओके, जिसे हमने प्रेशर कुक किया हुआ है. देन अगेन द लेयर ऑफ राइस, उसके ऊपर हम डालेंगे ब्रिस्ता, ठीक है, उसके ऊपर हम डालेंगे पुदीना, देन अगेन द आलू दैट इज कुक्ड, ओके, उसके ऊपर अनदर लेयर ऑफ राइस. एज यू कैन सी, keep layering it with the marinade aloo which is cooked, the rice that is cooked, the brista and the pudina. Pudina, guys, it gives a really good flavor to your biryani. It adds a nice minty touch to your biryani, you know. Must try it. All our brista is now finally used. Now this is केसर इन्फ्यूज्ड मिल्क. बेसिकली वार्म मिल्क में हमने 15 टू 20 स्ट्रैंड ऑफ केसर डाल दी थी, ओके, एंड वी लेट इट बी फॉर 30 मिनट्स, ठीक है, एंड वी पोर इट ओवर आर बिरयानी. अब हम इसमें होल्स कर रहे हैं टिल द एंड, सो दैट वो स्टीम जिससे कुक हो रही है वो स्टीम ऊपर तक आया एंड इट कुक्स द एंटायर बिरयानी बेसिकली. टू 20 मिनट्स के लिए हमने बिरयानी को दम देकर पकाना है विदाउट विसल. बिरयानी इज रेडी. कॉमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, एंड फॉर मोर सच रेसिपीज स्टे ट्यून्ड.